जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, सत्तवीं जमात की गणित की किताब का पाठ नंबर 2 भिन्ना दशमलव अभ्यास नंबर 2.3 उसके आखिरी अगले 6 सवाल 4 तो 9 इस वीडियो कर जा रहे हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनो ते नोटबुक लैके सारे हल अपनी नोटबुक में उतार लो और मगरों की चंगी तरह वीडियो नूं सुन के समझ के ए सारे सवालों नूं तुसीं बिना देखे अपने आप जरूर करना है। ठीक है, सो आओ शुरू करिए। सो चौथा सवाल है बच्चों, कहते हेठां लिखियां विच्चों केड़ी भिन्न वड्डी है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। सो हुण भिन्ना नहीं हैगियां, भिन्ना दे उत्ते भी ऑपरेशन हैगा है। 3/2 दा 2/7 जां 5/2 दा 3/8। हुण बच्चों दा दा मतलब की हुंदा है? दा दा मतलब है दा नूं हटा के उत्थे गुणा कर देवो। दा दा हटा के उत्थे गुणा कर देवो अर्थात 5/2 नूं 3/8 नाल गुणा करो ते फिर 3/2 नूं 2/7 नाल गुणा करो ते फिर कहिंदे दसो ए वाली भिन्न वड्डी है, ए वाली भिन्न दा भिन्ना दा जोड़ मेल वड्डा है जां ए वाली भिन्ना दा जोड़ मेल वड्डा है। ठीक है, सो ए बच्चो तुसीं इह कह सकदे हां कि एक सवाल दे विच 3 सवाल ने। पहला असीं इह पता करना है, फिर इह पता करना है ते फिर दोनों की तुलना करनी है कि दोनों सैटां विचों ग्रुपां विचों केड़ा वड्डा है। ठीक है, सो जिहड़े असीं पहलां सवाल कीते ने छोटे छोटे करके जो चंगी तरह समझ लेने ते इक सवाल बड़ा सौखा होएगा। सो पहले इहनूं देखिए, 3/2 दा 2/7, 3/2 गुणा 2/7 दा दी हटा के गुणा कर दिता ते बच्चे यह कटदा पिया है सो इहनूं कट दिंदे आ सिद्धा, यह 2 ना 2 कटिया गया सो साढ़े को आ गया 3/7। 3/7 हुण इत्थे रुक जाओ, यह मैं तुहानूं बाद चो दसदा। 3/7 आ गया, हुण इहदा करिए 5/2 दा 3/8। सो 5/2 दा 3/8 इन्हां चो कोई नहीं कटदा सो 5/2 गुणा 3/8। सो 5 × 3 = 15 ते 2 × 8 = 16। हुण बच्चों देखो इत्थे हैगा 7, इत्थे हैगा 16, मैं ये दोनों की तुलना करनी है ते बच्चों याद करो जिहड़े असी नोट्स कीते सीगे परिभाषावां ते सिद्धांत, उत्थे मैं कहा सी जिहड़ियां तुल भिन्नां ने वो असमान भिन्नां नूं समान भिन्नां विच बदलण च कम करदियां ने। सो यह इत्थे 7 हैगा, इत्थे 16 हैगा। सो 3/7 अते 15/16 यह असमान भिन्नां हन ते असी इन्हां नूं समान भिन्नां विच बदलांगे ते समान भिन्नां विच किदां बदलांगे? तुल भिन्नां दे सिद्धांत नूं वरत के अर्थात असी 7 अते 16 दा लघुत्तम लवांगे। 7 और 16 दा लघुत्तम लै लिया, 7 × 7 16 जांदा नहीं, 16 एक दा एक रहेगा, 16 × 16 सो इत्थे भी आ गया, इत्थे भी आ गया, इन्हां नूं गुणा करके लघुत्तम मिल गया। सो लघुत्तम 7 अते 16 दा मिल गया 7 × 16, 16 × 7 = 112। ठीक है, हुण बच्चो मैं की करना है, 7 दे नाल 112 नूं जिहड़े मैं भाग करदा ते मेरे कोल 16 आउंदा ते मैं इस भिन्न नूं अंश नूं भी 16 नाल गुणा करता ते हर नूं भी 16 नाल गुणा करता तो 16 × 3 = 48 ते 16 × 7 = 112 अर्थात 3/7 नूं मैं 48/112 लिख सकदा। ठीक है, हुण आ गया 15/16, जदों मैं 112 नूं 16 नाल भाग कीता ते 16 × 7 = 112, 16 × 7 = 112 सो मैं 15 दे नाल 7 नूं गुणा कीता, 16 दे नाल 7 नूं गुणा कीता, 15 × 7 = 105 ते 16 × 7 = 112। ठीक है बच्चो, हुण देखो थल्ले भी 112 इत्थे भी 112 सो यह दो कि यह भिन्ना बन गईआं, यह बन गईआं समान भिन्ना। सो असीं देखदे हाँ कि 105 48 तों वड्डा है। जे 105 48 तो वड्डा है तो 105 के थले कोई भी संख्या है लिख दो तो उही संख्या 48 के थले भी लिख दो तो भिन्न भी वड्डी होएगी। सो 105/112 वड्डी होएगी 48/112 क्योंकि इत्थे भी 112 है, इत्थों भी 112 है। सो जे बच्चो हर जड़े ने हर दो भिन्ना का हर इको जहा हो फिर जिहड़ी भिन्न का अंश वड्डा हुंदा है वो वाली भिन्न वड्डी हुंदी है। सो इतें भी 112 इतें भी 112 इतें अंश 105 इतें अंश 48 तो सानू पता है 105/48 तो वड्डा है सो इस करके 105/12 भिन्न 48/112 भिन्न तो वड्डी है। ठीक है बच्चों, हुण 105/112 यह कि बराबर सी, यह सी ए वाली 5/2 का 3/8, 5/2 का 3/8 इसलिए भिन्न 5/2 का 3/8 वड्डी है। ऐसा आ गया साडा जवाब। यह सवाल बच्चों इदा करना है, जदों तीन तुम अपने आप नहीं करोगे तदों तीन तुम्हें नहीं पता लगेगा।
ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ 1/2 ਦਾ 6/5 ਵੱਡੀਏ ਜਾਂ 1/3 ਦਾ 4/5 ਵੱਡੀਏ। ਸੋ 1/2 ਦਾ 6/5 ਨੂੰ 1/2 ਗੁਣਾ 6/5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 × 1 = 2 ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ 2 × 3 = 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 × 3 ਅਤੇ 5 × 5, ਸੋ 3/5 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ 1/3 ਦਾ 4/5, 1/3 ਦਾ 4/5, 1/3 ਦਾ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ 4/5, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, 4 × 4 ਅਤੇ 3 × 5 = 15। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 15 ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ 5 ਹੋਰ 15 ਦਾ ਲਿਆ ਲਘੂਤਮ। ਸੋ 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3 1 ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ, 3 × 3 ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਘੂਤਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਘੂਤਮ 5 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 5 × 3 = 15। ਸੋ 5 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਲਘੂਤਮ ਆ ਗਿਆ 15। ਹੁਣ ਬੱਚੋ 15 ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 × 3 = 15, ਸੋ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ 3 × 3 = 5 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਿੰਨ ਹੈ 3/5, ਇਹ 9/15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ 4/15 ਜਿਲੇ 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 × 1 = 15, ਸੋ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ 4 × 1 15 × 1, ਸੋ 4 × 4 15 × 15। ਹੁਣ ਹਰ ਵੀ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਲੀ ਹਰ ਇਸ ਭਿੰਨ ਦਾ ਵੀ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਸ ਭਿੰਨ ਦਾ ਵੀ 15 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ 3/5, 4/15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9/15 ਵੱਡਾ ਹੈ 4/15 ਤੋਂ। ਸੋ 9/15 ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ 9/15 ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੀ 1/2 ਦਾ 6/5, ਇਸ ਲਈ ਭਿੰਨ 1/2 ਦਾ 6/5 ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ, 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਅਤੇ 7ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਾਹਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰ 105 ਸਹੀ 1/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 105 ਸਹੀ 1/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਸਹੀ 2/3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਾਬਰ 105 1/3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 105 × 3 = 5, 105 × 3 = 5/3। ਹੁਣ 3 × 5 = 15, 3 × 0 = 0 ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 3 × 3 ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਜੋੜਿਆ, 315 + 1 316 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 105 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ 316/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 105 ਸਹੀ 1/3 ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 316/3 ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, 3 ਸਹੀ 2/3 ਘੰਟੇ, ਸੋ 3 × 3 = 2, 3 × 3 = 2, 3 × 3 = 2, 3 × 9 = 9, 9 × 2 = 11, ਸੋ 11/3 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ। ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਉਕਰਿਆ ਜਾਵੇ
दूरी बराबर रफ्तार गुणा समा, दूरी बराबर रफ्तार गुणा समा, दूरी बराबर रफ्तार गुणा समा। इनू बार बार बोलो तो चंगी तरह रट्टा ला लो। यह विज्ञान के भी तुम वरतोगे तो आने वाली सारी क्लासा में यदि वरतों होएगी। सो रफ्तार किन्नी है बचियो 316/3, 316/3 गुणा का गुणा करता, समा किन्ना 11/3 गुणा 11/3। हुण बच्चों देखो यह सवाल कहड़ा बन गया, यह हो गया दो भिन्ना का गुणा। यही गल आ गई ना, यह प्रैक्टिकल है। यह 316/3 एक भिन्न हैगी है, 11/3 एक भिन्न हैगी है। सो असं दोनों गुणा करते पे हाँ, इन्हें चो कोई कटता नहीं पाया। सो मैं गुणा किया 3 × 3 = 9, 11 × 6 = 66, 6 हासिल, 11 × 11 = 11, 11 × 6 = 17, 7 आ गया 1 हासिल, 11 × 3 = 33, 33 और 1 = 34। सो 3476/9, जिले मैं भाग किया 9 के 386 सही, 2/9 आ गया आंसर। अगे मैं दसागा भाग किदा किया अगली स्लाइड के। सो साडा जवाब है 100। 3 सही 2/3 घंटिया कार द्वारा तय की दूरी बराबर 386 2/9 किलोमीटर। यह आ गया साडा जवाब। किलोमीटर जरूर लिखना है, जे इतने मील लिखा है तो मील लिखना है, किलोमीटर लिखा तो किलोमीटर लिखना है। तो भाग किदा किया देखो, ऐसी बच्चों 3476/9। सो 9 × 3 = 27, 3427 गया 7, ठीक है, जाता नहीं 7 अगे, 7 में थले ला लिया, 77 हो गया। सो 9 × 8 = 72, 77 चो 72 गया 5, फिर मैं 6 थले लाया, 9 × 6 = 54, 6 चो 4 गया 2। सो 2 सी बाकी, 386 सी भागफल, 9 सी थले भाजक। सो 386 सही 2/9 जो पहले लिखा सी। ठीक है बच्चों, बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल ने, इन्होंने जरूर करना है। अगला सवाल देखिए, प्रैक्टिकल है भी। एक आयतकार प्लाट दी लंबाई, आयतकार होंगे रैक्टेंगुलर, आयतकार प्लाट दी लंबाई 29 सही 3/7 मीटर है, मीटर मैं से बिहारी मीटर है, यदि मैं एब्रीवेशन लिखी शॉर्ट फॉर्म। जेकर प्लाट दी चौड़ाई 12 सही 8/11 मीटर है तो प्लाट का खेत्रफल पता करो। बड़ा सौखा है बच्चों, जिदा सवाल पहले किया, दूरी बराबर रफ्तार गुणा समा, खेत्रफल होंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यह भी रट्टा ला लेना है। सो हल है लंबाई बराबर 29 सही 3/29 3/7, सो 29 × 7 = 3, 29 × 7 = 3, 7 × 9 = 63, 7 × 2 = 14, 14 × 6 हो गया 20। सो 203, 203 = 3, 206/7 मीटर, यह आ गई लंबाई, ठीक है। फिर प्लाट की चौड़ाई 12 सही 8/11, सो 11 × 12 = 8, सो 11 × 22 2 हासिल, 11 × 11 = 2 = 13, 132, 132 = 8 140, 140 × 11 मीटर, यह आ गई चौड़ाई, यह आ गई लंबाई। हुण यह बच्चा रट्टा ला लो, यदा भी खेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, जिदा मैं तुम्हें कहा ना पहले सूत्र में रट्टा लाओ, दूरी बराबर रफ्तार गुणा समा, इसी तरह खेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। सो 206 × 7, 206/7 × 140/11 आ गया ना भिन्ना का गुणनफल, वही गल है सारी, यह प्रैक्टिकल है। सो 206 हुण इत्थे बच्चे देखो कटदा है, देखो मैं इहनूं कट दिंदा, ए लो जी कट दिता, आ गया 7 × 1 = 7, यह हो गया 7 × 14, तो 0 का आ गया 0, सो इत्थे आ गया 20, ठीक है जी। सो आ गया 206 × 20, 206 × 20 ते 1 × 11 = 11, सो 2 × 6 = 12, 0 का 0 तो अलग ही गया इतने, सो 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 0 = 1 1 आ गया, 2 × 2 = 4, 41 सौ 20/11 जिले भाग किया, और अगर तुम्हें दिखावे कि करना है। सो प्लॉट का खेत्रफल बराबर 374 सी 6/11 मीटर का वर्ग, इतने यदि घात का ब्रैकेट पा के उत्ते 2 लिखना छोटा, इन्हें कहते हैं स्क्वेयर मीटर, या तो लिख दो स्क्वेयर मीटर, SQ का मतलब स्क्वेयर मीटर, तो या इदा लिख दो मीटर लिख के ब्रैकेट पा के उत्ते घात 2 लिख दो, ठीक है। सो यदा भी मतलब यही है, तो स्क्वेयर मीटर का भी यही मतलब है, ठीक है। अगला देखिए, यह देखो भाग इदा करना है, 4120 = 11, सो 11 × 3 = 33, तो 41 चो 33 गया 8, 2 थले लाया, 11 × 7 = 77, 7 × 5 = 12, 0 थले लाया, 11 × 4 = 44, सो 50 चो 44 गया 6, सो 6 आ गया बाकी, 374 आ गया भागफल, ते 11 भाजक सीगा, सो 374 6/11 है गया खेत्रफल स्क्वेयर मीटर, ठीक है। अगे चलिए, सतवां सवाल आ गया प्रैक्टिकल। जेकर 1 मीटर कपड़े की कीमत रुपए 120 सही 1/4 प्रति मीटर है,
एक मीटर का रेट इन्ना है, ठीक है, तां चार से ही 1/3 मीटर कपड़े की कीमत पता करो, ठीक है जी। आओ करते हैं। सो 1 मीटर ऐ कह रहा है, 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 120 से ही 1/4 रुपए बराबर, इनू मिश्रित भिन्न अणुचित भिन्न में बदल लेना है। 120 गुणा 4 जमा 1, 120 गुणा 4 जमा 1, 120 गुणा 4 कितना हो गया, 1248, 480, 480 जमा 1 481/4 रुपए 1 मीटर की कीमत। 4 से ही 1/3 मीटर कपड़ा कितना कितना हो गया, 4 × 3 जमा 1, 4 × 3 जमा 1/3, 3 × 12 = 13, 13/3 मीटर कपड़ा लेना है, ठीक है। हुण बच्चों जे 1 मीटर कपड़ा इन्ने का है ते इन्ने मीटर कपड़ा किन्ने का ना गुणा कर दांगे। सो 13/3 कपड़े की कीमत बराबर 481/4 जो 1 मीटर कपड़े की कीमत है, ते गुणा जिन्ना कपड़ा चाहिए 13/3। सो 4 × 3 = 12, 13 × 1 = 13, 13 × 8 हो गया 104, 104 और 105 10 हासिल, 13 × 4 = 52, 52 × 10 = 62, 62 × 53। हम देखो 13 का पहाड़ा, 14 का पहाड़ा, 17, 18, 19 पहाड़े तुम्हें आने चाहिए ने, ठीक है। जे पहाड़े नहीं आते होंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तुहाड़ा टाइम जाया चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा गुणा करते करते। पहला तो 3 ना गुणा करोगे, फिर 1 ना गुणा करोगे, फिर उन्हें जोड़ोगे, तो पहाड़े चंगी तरह कंठ होने चाहिए ने, 1 तो लेके 20 तक घट तो घट। सो जल्द 6253 12 ना भाग किया तो आ गया 521 पूर्ण भाग, तो 1/12। अगे भाग कि करना वह भी दिखावे। सो 4 से ही 1/3 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 521 से ही 1/12 रुपए, ठीक है। अब देखिए सीधा भाग करना है, 6853 है गया, 12 ना भाग किया 12 × 5 = 60, 6 × 60 गया 2, 5 थले लाया, 12 × 24, 25 × 24 गया 1, 3 थले लाया, 12 × 1 = 12, 13 × 12 गया 1, ठीक है। सो 1 आ गया बाकी, 12 भाजक है गया, 521 भागफल है गया। सो 521 1/12 जो साडा जवाब सी, ऐसी उस कपड़े की कीमत, ठीक है। अगे चलिए, हुण आ गया बच्चों सवाल 8वां, बहुविकल्पी प्रश्न, बड़ा सौखा है बच्चों। 8/3 दा 1/4 है, सो दा कर दो गुणा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 2/3, 2/3 आ गया जवाब, ठीक है। सो 3/2 × 2/3, 2 ना 2 कट गया, 3 ना 3 कट गया। सो 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1/1 = 1, सो आ गया आंसर 1, क्योंकि 2 भी ए भी कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, सारे अंश का सारा हिस्सा कट जाए, हर का सारा हिस्सा कट जाए, तो फिर बचता है जवाब 1, ठीक है। अगे चलिए, फिर कहते दो उचित भिन्ना के गुणनफल का मुल दोवां भिन्ना उचित भिन्ना नालों घट हुंदा है, ए बी। ए सारी गल बच्चों मैं तुहानूं उदाहरणों के नाल, पहला वीडियो इस पाठ का, पाठ नंबर 2 का पहला वीडियो जिहड़ा सिरलेख है सिद्धांत अते परिभाषावां, उहदे विच चंगी तरह समझाया है, ते ए किदां होया, ए जवाब किदां सही है, ते ए बड़े क्यों गलत ने, ए समझण लई तुहानूं वाला वीडियो देखना पवेगा। सो परिभाषावां अते सिद्धांत का वीडियो प्यारे विद्यार्थी जरूर देखियो, ठीक है। अगे चलिए, हुण आ गया 9वां, इहदे 2 भाग ने। कहिंदे पड़ताल करो कि हेठां दित्ते समीकरण सही हन जां गलत। सो इह बच्चों समीकरण है, देखो जिथे इज इक्वल टू आ जाए, बराबर का निशान आ जाए, तो उन्हें समीकरण कहने हैं। कहते दसो कि ए ये बराबर है या नहीं। सो जवाब यदा है गलत, पर कितना गलत है, आओ देखिए। खब्बा पासा है 3 × 1 = 2, 3 × 1 = 2/3 गुणा 4 × 7 = 5, 4 × 7 = 5/7। सो 3 × 3 = 2/5/3, 5/3 गुणा 4 × 7 = 28, 28 × 5 = 33, 33/7, 33/7 यह कटता है, इतने इनू कट दें, इनू कट दें प्यारे हो, ए जी कट गया, 3 × 3 = 11, 33, ठीक है जी। सो यह की बन गया, 5 × 11 = 11, 11 × 5 = 55, तो 7 × 7 = 55/7, यह आया खब्बा पासा, ठीक है, आया खब्बा पासा। हुण सज्जा पासा यह बड़ा है, सज्जा पासा देखिए 4 × 10/21, सो 21 × 4 = 10, 21 × 4 = 10, सो 21 चौक कितना हो गया 84, 84 × 10 = 94, 94/21। हुण बच्चों यह है 55/7, यह है 94/21, सो बराबर है ही नहीं, यह 55/7 है, यह 54/21, इनू कट के किसी भी तरीके दे नाल यह दोनों बराबर नहीं होंगे। सो खब्बा पासा बराबर नहीं है, यह देखो बराबर है, बराबर तो उत्ते काटा लाता, इदा
बराबर नहीं हैगा सज्जा पासा, सो इस करके यह चीज गलत है, यह समीकरण ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगे चलिए, आखिरी सवाल आ गया। हुण यह भी उही है, पड़ताल करो कि हेठां दिते समीकरण सही हैं जां गलत। सो इहनूं देखिए बच्चों, खब्बा पासा 3/4 गुणा 2/3, सो यह की बन गया बच्चों, 3 ना 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सो यह की बन गया बच्चों साडा, यह बन गया इत्थे, यह 2/4 सी ना, चलो मैं इत्थे 1/2 पहले लिख दिता, चलो इन्हें तो इत्थे कर देने इदां। लो जी, मैं इतने भी कटता सी, मैं 2 हिस्सों च किया सी। ठीक है, सो 1/2, सो खब्बा पासा दे आ गया बच्चों 1/2। हुण सज्जा पासा देखिए, 2/3 गुणा 3/4, सो यह भी कटता है, देखो यह 3 ना 3 कट गया, तो आ गया 2/4, 2/4। हुण इहनूं कटिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सो 1/2, सो 1/2, 1/2, सो खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा, सो यह जवाब हैगा। सो यदा जड़ा हैगा यह सही है, यह समीकरण सही है, पहला वाला गलत सी। सो प्यारे विद्यार्थियों, यह सन तुहाडे सवाल नंबर 4 तो लैके 9 तक 6 सवाल, बड़े ही सारे महत्वपूर्ण अभ्यास नंबर 2.3 दे। ते इस वीडियो दे नाल तुहाडा अभ्यास नंबर 2.3 इत्थे ही समाप्त हुंदा है। सो तुसीं इसी तरह मन लगा के मेहनत दे नाल, अनुशासन के नाल, नेम के नाल अपनी पढ़ाई करी चलो। तो अगले वीडियो तक लिए गुड बाय। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, रब राखा।